इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे गूगल पे बिजनेस अकाउंट पे अपना एक नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको प्ले स्टोर में जाके गूगल पे बिजनेस ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद गूगल पे बिजनेस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग पे आपको जाना है। सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इधर एक ऑप्शन मिल जाते हैं बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद इधर जो आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी था वो लास्ट 4 अंक दिखाएगा और इस साइड में आपका एड बैंक अकाउंट करने के लिए ऑप्शन रहते हैं, तो इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जितना भी सारा बैंक था सब बैंक अकाउंट एक साथ में दिखाएगा। तो आप इधर से अपना नाम, जो बैंक अकाउंट का नाम है, वो इधर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं नाम सर्च कर लेता हूँ, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुके हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको जो एंटर करना है वो है बैंक ब्रांच कैसे देखना है। बैंक ब्रांच आपका पासबुक के ऊपर रहते हैं, वो आपको देख लेना है। और नहीं तो आप बैंक ब्रांच नहीं मिल रहा है तो मैनुअली भी आईएफएससी कोड दे सकते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा जो ब्रांच है मैं एक बार देख लेता हूँ। काफी सारा बार ब्रांच जो है नहीं आते हैं। देखिए हमारा जो बैंक अकाउंट का जो ब्रांच है ये आ चुके हैं। ये हमारा बैंक अकाउंट का ब्रांच है चंडीपुर और इधर आईएफएससी कोड दिखा रहा है। बट आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, आपको कुछ भी सर्च कर रहा है बट उस ब्रांच से नहीं आ रहा है, तब आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। एंटर आईएफएससी कोड में क्लिक करके आप इधर अपना बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड एंटर करना है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे जाना है। मेरे को इधर आईएफएससी कोड देने का जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो बैंक अकाउंट का जो ब्रांच है वो आ चुके हैं। ये वाला हमारा बैंक अकाउंट का ब्रांच है तो मैं इधर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों इधर जो मांग रहा है आपका अकाउंट नंबर, ये आपका हो गया आईएफएससी कोड और ये हो गया आपका अकाउंट नंबर। तो चलिए मैं इधर अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइंड बैंक अकाउंट करके। फाइंड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए इधर कुछ टाइम लोडिंग लेगा। इसके बाद आपका जो नाम है, नाम आ जाएगा, इसके बाद आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर आ जाएगा। ये जो नाम है ये नाम आप ठीक कर देख लीजिए क्योंकि ये नाम वेरीफाई हुआ नाम है, अभी डिटेक्ट कर लिया है इस नाम से आपका अकाउंट है। आपका इस नाम से अकाउंट है तो आप इधर कॉन्फर्म बैंक अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इधर ये जो पेन वाला जो लोगो दिख रहा है इधर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फाइंड बैंक अकाउंट पे अगेन क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं कॉन्फर्म बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा क्योंकि हमारा जो अकाउंट नेम है सही है, तो मैं कॉन्फर्म बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा। कॉन्फर्म बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम आपको वेट करना है, लोडिंग लेता है, बफरिंग करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये तो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट पहले था, इसके बाद ये अकाउंट जो है अंडर रिव्यू में है। अभी अंडर रिव्यू में है, 5 से 6 घंटे के अंदर ये बैंक अकाउंट आपका प्राइमरी हो जाएगा। और बैंक का सर्वर ठीक ठाक है तो ये 5 से 6 घंटे लेता है, बट बैंक का सर्वर ठीक ठाक नहीं है तब आपने ये प्रोसेस किए हैं तो मान लीजिए 1-2 दिन लग सकता है। जब आपका ये प्रोसेस नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है तब आपको इधर ये बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिमूव एंड ऐड अनदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। तो अगेन आप इसको रिमूव करके और एक नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इस तरफ से अपना गूगल पे बिजनेस अकाउंट में एक नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए। नमस्ते।